मध्य प्रदेश के इंदौर में कांवड़ियों की पिटाई हो गई है, भोले भक्तों की जमकर पिटाई हुई है। इतना ही नहीं, इन भोले भक्तों के ऊपर गरम तेल तक फेंक दिया गया। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जो आरोपी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार नंदन। मध्य प्रदेश का एक जिला है इंदौर। इंदौर से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है दोस्तों, देखिए ये न्यूज 24 की कटिंग है। इंदौर में कांवड़ियों को लाठी डंडे से मारा, गर्म तेल फेंका, कई घायल। एक कांवड़िए गए थे गुंडई करने के लिए, लेकिन दुकानदार ने कहा, तुम्हारी गुंडई नहीं चलेगी। इन कांवड़ियों को लगा, हम लोग अनपढ़ हैं, हम लोग जाहिल हैं, हमें कुछ आता जाता नहीं है, हम सरकार से नौकरी तो नहीं मांग सकते, लेकिन सरकार से हम अपने पैरों में तेल की मालिश करवा सकते हैं, सरकार से हम फूलों की वर्षा तो करवा सकते हैं, और सरकार से हम तमाम सुविधाएं ले सकते हैं, लेकिन सरकार से हम नौकरी की मांग नहीं करेंगे। ये लोग गुंडई पर आमादा थे। ये लोग इंदौर पहुंचे और इंदौर पहुंचने के बाद एक दुकानदार से इन लोगों ने झगड़ा कर लिया, और झगड़ा करने के बाद क्या हुआ, दुकानदार वहां का लोकल, उसने कहा, कांवड़ियों सुनो, तुम लोगों की गुंडई यहां पर नहीं चलेगी, मैं तुम लोगों की गुंडई अभी निकालता हूं। हालांकि दुकानदार इतना गुस्सा हो गया, इन कांवड़ियों को जमकर मारा, खूब मारा, जिसमें 3 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल तक ले जाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, ये कांवड़िए हैं, ये भोले भक्त हैं, ये लोग नौकरी नहीं मांगते, ये लोग सरकार से फूल की बरसात अपने ऊपर करवाते हैं। देखिए, ट्विटर यूजर हैं काश कवि, इन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए इन्होंने लिखा है, कथित स्विमिंग पूल में नहाने की बात को लेकर आज सुबह इंदौर के सिमरोल थाना क्षेत्र के गवालू गांव स्थित होटल स्टाफ और कांवड़ियों के बीच मारपीट। कांवड़ियों पर कथित लाठी डंडे और गर्म तेल फेंका गया, जमकर चले लाठी डंडे। कांवड़ियों की शिकायत पर होटल कर्मचारी पर मामला दर्ज कर लिया गया है। देखिए, लेकिन वही दैनिक भास्कर ने खोज पत्रकारिता करते हुए कुछ और इस सच को सामने ला दिया। दैनिक भास्कर ने लिख दिया, महू के सिमरोल थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम गवालू में बलराज होटल के कर्मचारी और कांवड़ियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में लेन देन की बात को लेकर कहा सुनी हो गई थी, जो देखते ही देखते मारपीट तक जा पहुंची। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मारपीट का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि होटल कर्मचारी कांवड़ियों को लठ डंड और हॉकी से पीट रहे हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने कांवड़ यात्रियों के ऊपर गर्म तेल भी फेंक दिया, जिसमें 5 से अधिक कांवड़ यात्री घायल हो गए। मामले को बढ़ता देख सिमरोल क्षेत्र में 4 थानों के थाना प्रभारी और पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। साफ समझिए, 4 थानों की पुलिस को लगा दिया गया है, जिस कपड़े पर बीजेपी राजनीति करती है दोस्तों, आपको पता होगा वो कपड़ा है भगवा, भगवे कपड़े पर बीजेपी राजनीति करती है। बीजेपी राम मंदिर की बात करती है, बीजेपी भोले भक्तों की बात करती है, लेकिन उसी बीजेपी के शासन काल में कांवड़ियों की पिटाई हो रही है, कांवड़िए घायल हो रहे हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भेजा जा रहा है। इन कांवड़ियों को लगता है ये गुंडे हैं, इन्हें लगता है सरकार ने इन्हें खुली छूट दे दी हो, इन्हें लगता है यही लोग शासन में बैठे हुए लोग हैं। लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो लोग कहते हैं, तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं है, तुम सरकार से नौकरी नहीं मांग सकते, तुम कांवड़ लेकर जाते हो, सरकार का समर्थन करते हो, तुम सरकार को वोट करते हो, लेकिन सरकार से तुम अपना अधिकार, अपना हक नहीं मांगते, सरकार हर एक वक्त तुम्हारा हक और हिस्सा छीनने का काम कर रही है, लेकिन तुम लोग जाहिल हो, तुम लोगों को कुछ नहीं पता है सरकार से तुम लोगों को क्या मांगना चाहिए। हालांकि तमाम अधिकारी अब ऐसे हैं, वे लोग कहते हैं, साहब सावन आ जाए, 12 महीने में 1 महीने सावन का होता है, अधिकारी कर्मचारी सावन का इंतजार करते रहते हैं, वे लोग हवाई सफर इसी बहाने कर लेंगे और इसी बहाने वे लोग पुण्य कमा लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान हो या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, ये लोग लाख प्यार बरसा रहे हैं, ये लोग फूलों की बरसात हेलीकॉप्टर से करवा रहे हैं। मानो शंकर भगवान अब आ गए हैं, साक्षात शंकर भगवान के दर्शन हो गए हो कि अब इनका पूजा पाठ कर लीजिए, इनके चरण धुल लीजिए और चरण धोने के बाद जो पानी आ जाए उस पानी को आप पी जाइए। साक्षात शंकर भगवान आ गए हैं, जितना हो सके आप पूजा कर लीजिए क्योंकि स्वर्ग आपको तो जाना ही जाना है, क्योंकि आपने तो शंकर भगवान की साक्षात पूजा कर ली हो। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है, भगवान ने हमको बनाया है या हमने भगवान को बनाया है? इसका जवाब अगर आपके पास होगा दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन वैज्ञानिक युग में हम लोग जी रहे हैं तो विज्ञान यही कहता है भगवान को हम लोगों ने बनाया है, लेकिन ब्राह्मणवाद में हम लोग इतना घिर गए हैं, ये ढोंग और पाखंड में हम लोग इतना घिर गए हैं कि ब्राह्मणवाद ने जो व्यवस्था बना दी है उस व्यवस्था के तहत हम लोग जी रहे हैं, उसी व्यवस्था को हम लोग मानते हैं और हम लोग अंधे हो चुके हैं, हम लोग अंधविश्वासी हो गए हैं। हम लोग जा करके शंकर भगवान के पिंड पर भोले भक्त को हम लोग खाना खिलाते हैं, शंकर भगवान के पिंड पर हम लोग दूध की बरसात करते हैं, लाखों लीटर हम लोग दूध डाल देते हैं। वो दूध कहाँ जाता है? वो दूध मिट्टी मिल जाता है। हम लोग किसी भूखे को खाना नहीं खिलाते। क्यों नहीं खिलवाते? क्योंकि हम लोग पाखंड में, हम लोग अंधविश्वास में ज्यादा भरोसा रखते हैं दोस्तों, और अंधविश्वासी लोग ही कांवड़िए बनते हैं। ये लोग कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं, ये लोग अपनी माँ बाप को पानी तक नहीं पिलाते दोस्तों, लेकिन ये लोग कांवड़ यात्रा पर जरूर जाएंगे, वहां से गंगा जल लेकर के आएंगे। हालांकि कुछ साल पहले कांवड़ यात्रा पर निकलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे हमारा समाज, बहुजन समाज ये तरक्की कर रहा है, जागरूक हो रहा है, वैसे वैसे ये कांवड़ियों की संख्या लगातार गिरती जा रही है। सरकार चाहती है कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती रहे। कांवड़ियों की संख्या जब जब बढ़ेगी तब तब सरकार को फायदा होगा। आपने देखा नागपुर से चल करके दिल्ली बच्चे आ गए हैं, SSC GD 2018 वाले बच्चे, वे लोग सरकार से नौकरी मांग रहे हैं। उन्हें के साथ सरकार क्या व्यवहार कर रही है दोस्तों, मैं बताता हूं। सरकार उन लोगों को परेशान कर रही है, सरकार अलग अलग तरीकों से उन्हें प्रताड़ित कर रही है, सरकार उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, सरकार उनको हिरासत में ले लेती है, सरकार कहती है तुम लोग आगे ना बढ़ो, पुलिस उन्हें परेशान करती है क्योंकि ये लोग नौकरी की मांग कर रहे हैं दोस्तों। अगर ये लोग कांवड़िए होते तो शायद सरकार इन्हें परेशान नहीं करती, सरकार इनके ऊपर फूलों की बरसात करती दोस्तों। इंदौर से जो घटनाएं सामने आई है उस घटना से आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि जब जब अत्याचार होता है, जब जब किसी गुंडई सामने आती है, उसका विनाश करने वाला कोई ना कोई सामने आता है, फ्रंट फुट से खेलता है और फ्रंट से खेलने के बाद उस विनाश का सत्यानाश होता है। दुकानदार ने वही किया होगा दोस्तों। मैं नहीं कहता कि दुकानदार ने अच्छा किया, हिंसा का कभी बढ़ावा नहीं दिया जाता। नेशनल दस्तक कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता, हिंसा गलत चीज है, हिंसा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और जो गर्म तेल फेंका गया ये भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों कांवड़िए जहाँ पर जाते हैं लगता इन्हें यही है इनकी सरकार आ गई है, इन्हें लगता यही है सरकार में यही लोग बैठे हैं। इन लोगों के हाथों में तिरंगा झंडा नहीं है, ये लोग भगवे को मानने वाले लोग हैं दोस्तों। अभी हादसे में इन लोगों की मौत हो गई थी, सरकार ने लिस्ट जारी कर दी थी, उसमें पता चला 90% बहुजन है, SC और ST OBC समुदाय से लोग आते हैं, सवर्ण तो जा ही नहीं रहे हैं, ठाकुर और ब्राह्मण तो लेकर के कांवड़ जा ही नहीं रहे हैं, इनका तो कब्जा मंदिरों पर है, ये लोग मंदिरों पर बैठते हैं, ये लोग वहाँ के पुजारी बने हैं, ये लोग वहाँ से जो चंदा आता है उस चंदे से लोग अपना घर परिवार चला रहे हैं दोस्तों। हमको आपको लगता है हमने मन्नत मान दी है, हम किसी मंदिर जाएंगे, हम विंध्याचल जाएंगे, हम मैहर माई जाएंगे, हम कहीं और जाएंगे, वहाँ पर जाकर पूजा पाठ करेंगे, वहाँ पर जाकर के हम चढ़ावा चढ़ाएंगे दोस्तों। वो चढ़ावा कहीं नहीं जाता है, वो चढ़ावा उस पंडित के पास ही रहता है और उस आपके हमारे पैसों से ही पंडित ऐशोआराम की जिंदगी जीता है।
हालांकि इतना जरूर है मन की शांति मिल जाती है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं दोस्तों। लेकिन कांवड़ियों को जिस तरीके से पिटाई हुई है दोस्तों, क्या संदेश दे रहा है, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों एक निवेदन आप लोगों से और है, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।